नमस्ते, सदावत्सल मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने एक आदेश किया और वो आदेश ये था कि उत्तर प्रदेश में मदरसाओं का की री इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन सरकार के पास होनी चाहिए, या कहें कि मदरसों का सर्वे होना चाहिए। दरअसल दो प्रकार के मदरसे कहीं भी होते हैं, एक तो राज्य सरकारें, जब आपको याद होगा कि मुलायम सिंह की सरकार रही है या फिर अखिलेश की सरकार रही है, ऐसी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, असम में भी पहले कांग्रेस की सरकारें थीं, और जहां जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स रही हैं पहले, वहां वहां मदरसे सरकारी स्तर पर चलाए गए, सरकारी फंड पर चलाए गए, सरकार से रिकॉग्नाइज चलाए गए, यहाँ तक कि राज्यों ने अपने यहाँ बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन खोलकर रखे थे। जबकि होना ये चाहिए था कि जब आपने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद खोलकर रखा है, जब आपने किसी भी राज्य में उस राज्य का माध्यमिक शिक्षा परिषद है, तो उसके मातहत ही सारे विद्यालय आने चाहिए, चाहे वो कुछ भी पढ़ाएं, संस्कृत पढ़ाएं या फिर वो मदरसे में पढ़ाएं या फिर वो जो सरकारी कार्यक्रम है वो पढ़ाएं। तो एक बोर्ड होना चाहिए, एक बोर्ड के मातहत रिकॉग्निशन का जो चक्कर है वो एक बोर्ड से होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड बना दिया गया। मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने अपना सिलेबस पास कर लिया, उस सिलेबस के अनुसार रेगुलेशन कर लिया और उनकी फंडिंग राज्य सरकारों के द्वारा होने लगी। अब आप सोचिए कि देश में अशांति फैलाने के लिए देश का करिकुलम नहीं चलाएंगे, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाएंगे, इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, साइंस नहीं पढ़ाएंगे, भारतीय एजुकेशन भारतीय महापुरुष नहीं पढ़ाएंगे और महापुरुष कहीं खाड़ी के उठाकर पढ़ाएंगे तो, और ऐसों को हम अपने यहाँ फंड भी करेंगे। ऐसा फंडिंग उत्तर प्रदेश में खूब सारी होती रही। माननीय योगी जी के बैठने के बाद 2017 में एक डिसीज़न हुआ और वो डिसीज़न उन्होंने ये लिया कि जितने भी मदरसे हैं, वो मदरसे जिनका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, जो अपने आप को एक पोर्टल बनाया गया, उस पोर्टल पर जो अपना रिकॉर्ड नहीं डालेंगे, अपने टीचर्स का रिकॉर्ड नहीं डालेंगे, अपने स्टाफ का रिकॉर्ड नहीं डालेंगे, उन मदरसों की जो मान्यता है वो रद्द कर दी जाएगी और वो मदरसे सरकार की तरफ से बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि 2017 से पहले एक बड़ा जजमेंट आया था और वो जजमेंट मेरे ख्याल जहां तक मुझे याद है वो 2010 या 11 का था। ऑनरेबल जस्टिस वी के श्रीवास्तव हुआ करते थे, उनके अदालत में एक केस गया और उस केस में एक मदरसे की रिकॉग्निशन, उसकी जो मान्यता है या उसका जो सब्सिडी या फंड है, वो फंड एड बंद कर दी गई थी राज्य सरकार के द्वारा। वो हाईकोर्ट चले गए थे, हाईकोर्ट ने उस केस को पूरा सुना और फिर ये कहा कि भाई माइनॉरिटी नाम की चीज़ क्यों है, जब इतनी बड़ी परसेंटेज बन गई है तो एज़ पर यूएन लॉज, एज पर इंटरनेशनल लॉज, अब माइनॉरिटी में तो आते नहीं, क्योंकि उसके अनुसार 2% से नीचे जो ग्रुप है या जिसकी डेमोग्राफी है वो ही माइनॉरिटी हो सकता है। तो फिर आपको माइनॉरिटी एजुकेशन के तहत आपको सब्सिडी क्यों दी जाए, आपको क्यों ये फैसिलिटी दी जाए। ऑनरेबल जस्टिस श्रीवास्तव ने उस समय सर्कुलर जारी कर दिया था, राज्य सरकार को सर्कुलर जारी किया, केंद्र सरकार को सर्कुलर जारी किया और तमाम बोर्डों को सर्कुलर जारी किया था और ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रकार के मदरसे हैं, उन सभी मदरसों की जो एड है जो राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है, वो एड पूरी बंद की जाए। क्यों? क्योंकि ये माइनॉरिटी एजुकेशन के तहत मांग रहे हैं और ये माइनॉरिटी एजुकेशन में आते नहीं क्योंकि माइनॉरिटी है नहीं। हालांकि वो केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया था, उस पर स्टे हो गया था, आगे वो किस स्टेज पर केस पहुंचा मुझे पता नहीं, लेकिन कुल मिलाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा जजमेंट दिया था, वो जजमेंट स्टे कर दिया या जो भी कर दिया। 2017 में जो राज्य सरकार बैठी, उसने मदरसा एजुकेशन पर थोड़ा ध्यान देना शुरू किया और उन्होंने जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड है, उस एजुकेशन बोर्ड में जो सेक्रेटरी रहते हैं या जो उसके डायरेक्टर रहते हैं या जो भी उस पर पदाधिकारी रहता है, उनको थोड़ा सजग करना शुरू किया और कानून महाराष्ट्र की तर्ज पर,
क्योंकि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार जिस समय थी उस समय उन्होंने मदरसों में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान ये कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह जोड़े थे और ये कहा था कि राष्ट्रीय एजुकेशन आपको दीन की एजुकेशन के साथ साथ आपको रिक्वायरमेंट या आज की एजुकेशन पढ़ानी ही पड़ेगी, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी घोषणाएं कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पोर्टल बना दिया, पोर्टल पर कहा कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और जो राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित थे, जो राज्य सरकार के द्वारा चल रहे थे, उन पर सब पर कम से कम कानून लागू कर दिया कि आपको राष्ट्रगान करना पड़ेगा, आपको वहाँ CCTV लगाने पड़ेंगे, आपको ध्वज फहराना पड़ेगा और जो जो स्कूली एजुकेशन में होता है वो सब कुछ आपको मदरसों में करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत सफल हुआ होगा। वो सफल इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि मदरसों ने पोर्टल पर तो डाला होगा, लेकिन पोर्टल पर डालने के बावजूद, जहाँ तक मुझे याद है 16-17 हज़ार मदरसे हैं, पोर्टल पर डालने के बावजूद इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, नीचे सही स्थिति कैसे पता लगेगी, ये कैसे पता लगे, तो उसके लिए तो सरकारी कर्मचारी है और सरकारी कर्मचारी को का स्वभाव अपना है। उसका स्वभाव यह है कि जब तक उसको कोई उंगली ना आए, जब तक उसके ऊपर दबाव ना आए, जब तक उसको कोई ढकेले ना, तब तक वो सोचता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, इन कामों में मुझे हाथ क्यों डालना। जैसे मैं आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ जी ने जिस समय ये लाउडस्पीकर का इशू महाराष्ट्र का चला, योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया और उन्होंने कहा कि भाई लाउडस्पीकर आप बजा सकते हैं लेकिन प्रेमिसेस के बाहर आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो राज्य सरकार ने कठोर स्टेप लिया, इन्होंने मस्जिदों ने लाउडस्पीकर स्लो कर दिए। लेकिन क्या वाकई में लाउडस्पीकर स्लो हुए? नहीं हुए, कुछ समय तक 15 दिन स्लो रहे और फिर अब उससे और ज़्यादा वॉल्यूम से, जो पहले बजते थे उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम से उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर बजने लगे। अब थाना बगल में है, चौकी बगल में है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बगल में है, DM, ADM, SDM कोई बगल में रहता है, लेकिन उनको वो आवाज़ सुनाई नहीं देती, उनको वो डिस्टर्बेंस सुनाई नहीं देता। क्यों नहीं सुनाई देता? क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते। और जो रिपोर्टिंग की बात आती है, राज्य सरकार मांगती होगी तो निश्चित रूप से रिपोर्टिंग तो अच्छी जाती होगी, महाराज जी ने आदेश कर दिया है और हमने ये सब बंद कर दिया है, यानी कि कुछ नहीं हो रहा है। आम पब्लिक की बात जहाँ तक आती है, आम पब्लिक से कहा जाता है कि आप पोर्टल पर डाल दीजिए, आप जाकर कंप्लेंट कर दीजिए। अब कंप्लेंट आपके नाम से जाएगी तो आप टारगेट हो जाएंगे क्योंकि आप उस मोहल्ले में रहते हैं और आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ लोग आपको टारगेट करना शुरू कर देंगे। राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है, अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है कि राज्य में अगर कोई रेगुलेशन पास हुआ है, राज्य में अगर कोई कानून पास हुआ है तो उसको इम्प्लीमेंट करवाए। इसके लिए किसी को कंप्लेंट की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कहीं मर्डर हो रहा है तो क्या कोई कंप्लेंट करेगा तभी उस मर्डर को रोका जाएगा? क्या पुलिस की जिम्मेवारी नहीं है कि जहां कहीं भी इस तरह का काम हो रहा है वो उसको सुमोटो जाकर उसकी सिक्योरिटी सुनिश्चित करे? लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? मदरसे क्योंकि ये लाउडस्पीकर बज रहे हैं और इन लाउडस्पीकरों के चक्कर में हम क्यों टांग अड़ाएं? और जहाँ तक सरकारों की बात आती है, राज्य सरकारों की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है और वो समस्या ये है कि उनके आँख, नाक और कान, राज्य सरकार की बात नहीं है, केंद्र सरकार की भी बात आती है कि उनके आँख, नाक, कान सब अधिकारी हो जाते हैं और अधिकारी आप जानते हैं कि वो IAS क्वालिफाई करके आया है, PCS क्वालिफाई करके आया है, वो बहुत शार्प होते हैं, वो आपको पढ़ने में बहुत समय नहीं लगाते, वो अधिकारियों को, वो मंत्रियों को, वो मुख्यमंत्रियों को पढ़ने में बहुत समय नहीं लगाते, वो मुख्यमंत्रियों को पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद आपके मन की जैसी बात करने लगते हैं, कुछ आपकी तरह काम भी करवाते हैं, फिर आपके सचिव, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और ये वो बन जाते हैं, फिर वो मिनिस्ट्रियों की तरह काम चलाते हैं। क्योंकि अगर कोई मिनिस्टर नहीं है, किसी भी राज्य सरकार ने अपने यहाँ मिनिस्ट्री बनाई है, उस मिनिस्ट्री में कोई डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी ने अपने पास रखा है तो मुख्यमंत्री के आँख, नाक, कान या मंत्री तो सेक्रेटरी हो गया उस डिपार्टमेंट का, और वो सेक्रेटरी अपडेट जैसा करेगा वैसा मुख्यमंत्री जी को पता लगता है। अब कोई अगर बाहर का व्यक्ति जाए और कहे तो वो लीगल सिस्टम में आए तो टारगेट हो जाएगा, और सीधा अगर सरकार से कहता है, सीधा अगर मंत्रियों से कहता है तो मंत्री के आंख, नाक, कान इतना भरोसा हो चुका होता है अपने सेक्रेटरियों पर या अपने अधिकारियों पर कि वो आंख, नाक, कान अधिकारी बन जाते हैं, वो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। यहां पर एक इंटेलेक्चुअल माइंड की आवश्यकता होती है, वो कितनी सरकारें, कितनी राज्य सरकारें लगा पाती हैं ये तो समझदारी और मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है कि कितने मैच्योर मिनिस्टर है
और वो धरातल से कितने जुड़े हुए मिनिस्टर हैं, वो अधिकारियों के हाथ में खेलने वाले मिनिस्टर हैं या अधिकारियों के साथ खेलने वाले मिनिस्टर हैं, ये डिपेंड करता है एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशंस पर। खैर, तो ये जो मदरसे की एजुकेशन आई, इस पर राज्य सरकार ने आदेश तो कर दिए, लेकिन क्या सही इन्फॉर्मेशन सरकार के पास पहुँची होगी, मुझे डाउट है। लेकिन जैसा एक राज्य और भी है, मैं अगर देश की बात करूं तो देश में असम राज्य एक ऐसा है जहां के मुख्यमंत्री इन चीज़ों को पर्सनल अंडरटेकिंग में लेते हैं और वो उन पर ध्यान देते हैं। उन्होंने अपने यहाँ मदरसा एजुकेशन, अब देखिए बाकी राज्यों में और असम में क्या फ़र्क आया, मदरसा एजुकेशन बोर्ड जो बने हुए थे असम सरकार ने अपने यहाँ सब ख़त्म कर दिए और उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के कार्यक्रम हैं वो आपको चलाने ही पड़ेंगे। कुछ समय के बाद हेमंत विश्व शर्मा जी ने क्या किया कि जो सरकारी मदरसे थे जिन पर सरकारी एड जाती थी उनको उन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालय घोषित कर दिया और कहा कि भाई सरकार के द्वारा मदरसे चलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज की जो आवश्यकता है वो डॉक्टर इंजीनियर बनाने की है और ये मदरसा कभी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकता किसी को, इसलिए सरकार अपने खर्चे पर तो मदरसे नहीं चलाएगी। अब यही बात कुछ इसी प्रकार की केरला में भी आई थी और केरला में हाईकोर्ट ने पूछा कि भाई ये कैसे आप मदरसे चला रहे हो, इनको आप फंडिंग कैसे कर रहे हैं, इनका आप बजट कैसे सैंक्शन कर रहे हैं, राज्य में समस्या है, आप इनको अलग से बजट देते हैं। हाईकोर्ट में जब जिरह चल रही थी तो हालांकि उस समय केरला हाईकोर्ट ने ये कहा कि आपसे अच्छा तो मॉडल उत्तर प्रदेश सरकार का है और उत्तर प्रदेश सरकार के पास जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड है वो ज़्यादा बेटर काम करता है, वो आपकी तरह पैसा लुटा नहीं रहा, लेकिन अगर वो कंपेयर करते असम के साथ तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होता। जब वो ये कहते, केरला हाईकोर्ट ये कह देता कि असम में जो मदरसे थे वो सब सरकारी एजुकेशन घोषित कर देगी क्योंकि राज्य सरकार मदरसे नहीं चलाएगी और राज्य सरकार को मदरसे नहीं चलाने चाहिए। अब उसके बाद असम सरकार ने भी अपने यहाँ जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं उनका भी रेगुलेशन बनाने की कोशिश की, उन पर भी उनका सर्वे हो, वो लिस्ट पर आएँ, वो पोर्टल पर चढ़ें, ये असम सरकार कर रही है और जो उनके रेगुलेशन को नहीं मानता उसको वो मदरसे को बंद करवा देते हैं, उस मदरसे को वो चलने नहीं देते हैं। यानी कि वो सही से मदरसों पर वॉच रखे हुए हैं कि आखिर मदरसों के माध्यम से कुछ गड़बड़ती है वो गड़बड़ ना हो। उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी उसी तर्ज पर स्टेप लेना चाहा और उन्होंने आज दो दिन पहले एक आदेश जारी कर दिया, जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं हैं, यानी कि जो मदरसा पोर्टल पर रजिस्टर जिन्होंने नहीं किया है उन मदरसों को बंद किया जाना चाहिए और इसके अतिरिक्त मदरसों पर सर्वे होना चाहिए। अब दानिश कुरैशी जो कि माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, मुस्लिम मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका बयान उस पर आया। उन्होंने कहा कि हम मदरसा एजुकेशन की बात, मदरसों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम मदरसों में जो सरकारी मदरसे हैं, अब देखिए सरकारी मदरसे हैं जिन पर सरकार एड देती है, ऐसे मदरसों में टीचर्स को जो मुल्ला मौलवी रहते हैं उनको एक मदरसे से दूसरे मदरसे में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की फैसिलिटी हमने कर दी है। इसके अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम काम कर रहे हैं जो सरकारी मदरसे हैं और हम जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं हैं उन मदरसों को सर्वे करवाना चाहते हैं कि प्रदेश में कितने मदरसे हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने स्टूडेंट हैं, करिकुलम उनके क्या हैं और ख़ास बात यह है कि उन वो कौन सी प्रॉपर्टियों पर बैठे हुए हैं, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉपर्टी पर बैठे हुए हैं, लीज़ की प्रॉपर्टी पर बैठे हुए हैं या अपनी प्रॉपर्टी उन्होंने बना रखी, इसकी पूरी सर्वे करवा कर उसकी लिस्टिंग राज्य सरकार के पास होनी चाहिए ताकि राज्य सरकार मदरसों को लेकर उचित समय पर उचित डिसीजन ले सके। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकारी एजुकेशन, सरकारी मदरसे जो सरकार जिस पर फंडिंग करती है वो असम सरकार की तर्ज पर उनको माध्यमिक शिक्षा परिषद के साथ मर्ज कर देना चाहिए। मदरसा एजुकेशन को लेकर जो बोर्ड बना हुआ है उस बोर्ड की कोई अलग से आवश्यकता नहीं है, उसको माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यम के ही मातहत आना चाहिए। हालांकि अगर आपको लगता है तो माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंदर ही उसको ले आइए, कोई समस्या नहीं होगी और माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम सरकारी मदरसों पर पूरा लागू होगा, वो डिसिप्लिन भी पूरा लागू होगा, वो सिलेबस भी पूरा लागू होगा और जो नियम कानून हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद के वो सारे उस पर लागू होंगे। आप अगर चाहें, मदरसा अगर चाहें तो दीन की एजुकेशन एक्स्ट्रा पढ़ाए,
और अगर केवल वो दीन की एजुकेशन पढ़ाना चाहता है, वो संसारिक या नीडी एजुकेशन नहीं पढ़ाना चाहता, तो राज्य सरकार क्यों उस पर पैसा खर्च करे? राज्य सरकार उसको क्यों मेंटेन करे? राज्य सरकार उसको इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों दे? राज्य सरकार उस पर पेंशनें क्यों दे? राज्य सरकार उनको सैलरियाँ क्यों दे? ये एक बड़ा प्रश्न है। या मिड डे मील ये वो सब चलता है, राज्य सरकार क्यों दे? जब आप राज्य का कार्यक्रम नहीं चलाना चाहते तो राज्य क्यों दे? आपको याद होगा मैंने कहा था देवेंद्र फडणवीस ने जिस समय वो मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने ये सब कुछ अपने यहाँ लागू करवाया था। हेमंत विश्व शर्मा ने भी ये अपने यहाँ लागू करवाया और देश के बहुत सारे राज्यों ने इसको लागू करवाया, लेकिन अभी भी बहुत सारे राज्य भले ही वहाँ बीजेपी की सरकार हो अभी भी अनभिज्ञता में हैं, अधिकारियों के हाथ में चढ़े हुए हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के ही सलाह पर काम कर रहे हैं। ये बहुत सारे प्रदेश ऐसा कर रहे हैं। यहां पर जब योगी जी ने ये आदेश कर दिया, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ये आदेश कर दिया, तो ओवैसी को समस्या होना स्वाभाविक था, बहुत सारे मुस्लिम पक्षकारों को समस्या होना स्वाभाविक था, क्योंकि उनका कहना यह है कि ये सूचना सरकार को क्यों हो? सरकार को क्यों पता हो कि हम कितने मदरसे चलाते हैं? सरकार को क्यों पता हो कि कितने बच्चे पढ़ते हैं? सरकार को क्यों पता हो कि वहाँ कितने टीचर्स रहते हैं? सरकार को क्यों पता हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन मदरसों का क्या है? ये हमारा आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 में अधिकार है और माइनॉरिटी एजुकेशन को लेकर इसको एस्टैब्लिश करना और इसको चलाना हमारे अधिकार के स्वरूप आता है, इसलिए राज्य सरकार इसमें इंटरवेंशन ना करे। ओवैसी ने यहाँ तक बयान दे दिया कि आप मुसलमान को यहाँ ख़त्म कर दीजिए, मुसलमान का मुसलमान मत रहने दीजिए, आप कह दीजिए उत्तर प्रदेश में मुसलमान नहीं रहेगा। ऐसे बहुत सारे मुसलमान जो अपने आप को लीडर कहते हैं उनके बयान आ गए, लेकिन राज्य सरकार का कहना ऐसा है कि ये सब कुछ हमारे संज्ञान में होना चाहिए, एटलीस्ट इन पर सब पर रेगुलेशन बना सकें और जो फैसिलिटी देनी है वो फैसिलिटी हम दे सकें और इन पर जो रेगुलेशन जारी होना है या इनके विषय में जो चिंता करनी है वो राज्य सरकार अच्छी या बुरी, मतलब इनको बंद करना है कि चलाना है कि क्या एजुकेशन, जब तक सर्वे और डेटा नहीं होगा राज्य सरकार के पास तो राज्य सरकार निर्णय कैसे ले सकती है। इसीलिए दानिश मोहम्मद दानिश कुरैशी ऐसे करके जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं उन्होंने बयान दिया है बिल्कुल साफ साफ कि भाई हम इनके सब के बारे में जानना चाहते हैं, इसके बाद हम इस पर निर्णय लेने के लिए आगे आएंगे, लेकिन जो सरकारी एजुकेशन के मदरसे हैं जो सरकारी मदरसे हैं उन मदरसों में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज उनके टीचर्स की फैसिलिटी, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग, इसकी चिंता करने के लिए भी इस रेगुलेशन में आदेश किया गया है। लेकिन हड़कंप इसलिए है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के स्वभाव के विषय में लोगों को मालूम है कि जहां कहीं गड़बड़ी पाई गई तो फिर वो क्या निर्णय लेंगे और किस प्रकार का निर्णय लेंगे। और जो मैंने जैसे कहा कि जो सरकारी रिपोर्टिंग हो रही होगी उस सरकारी रिपोर्टिंग से परे अगर उनको सच्चाई जिस दिन पता लग जाएगी या जब सच्चाई उनके सामने आएगी तो फिर इनका क्या होगा, ये सब बड़ी समस्या है। इसलिए आभा मंडल चारों ओर से लगाया जाए और उस आभा मंडल के बाद रिपोर्टिंग कैसे की जाए ये तो हम जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कैसे करती है और क्या करती है, और ऊपर से दुनिया भर का व्यक्ति बैठे हुआ है। तो फिर मुझे लगता है कि राज्य सरकार के इस आदेश पर सही से इम्प्लीमेंट हो इसके लिए सही इन्फॉर्मेशन राज्य सरकार के पास जाएगी, सही इन्फॉर्मेशन माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास जाएगी और उस पर सही निर्णय हो सकेगा। ऐसी मैं कामना करते हुए आज के इस विषय को यहीं संपूर्ण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।